सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 4 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस Geography and the textbook name is Resource and Development. So, we will understand chapter number 1 Resources in this worksheet and we'll also discuss the topic Need for Conservation of Resources in this worksheet. So, students, aaj ki is worksheet mein hum chapter number 1 Resources ke jo topic hai Need for Conservation of Resource jo ki बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ आर प्रेजेंट लाइफ। आपको पता है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारी प्रेजेंट लाइफ की एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को इतना ओवर यूज़ करते जा रहे हैं, कि अब हमें उसकी कमी को देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते जा रहे हैं। सो इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। यस, अगर हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है तो हमें रिसोर्सेज को कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बट उसको कंज्यूम अंधाधुंध नहीं करना, उसको ब्लाइंडली हमें यूज़ नहीं करना। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, वैसे वैसे इन रिसोर्सेज की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। Due to the desire for development and the greedy tendency, human exploited resources indiscriminately, such as mining, deforestation, etc. तो देखिए ना, इंसान के लालच के कारण और फिर विकास की चाह, डेवलपमेंट की डिज़ायर के कारण ये ह्यूमंस जो हैं वो रिसोर्सेस को बिना कुछ सोचे समझे एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। जैसे माइनिंग से बहुत सारे मिनरल्स वो निकालते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काटते ही चले जा रहे हैं। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा नेचर है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, प्रकृति ख़राब होती जा रही है, और इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर, सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन। तो प्लीज़ देखिए, जैसे इसमें भी बताया गया है कि आपको पता है पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर यूज़ करें तो उसको ऐसे ही ना जाने दें। सिमिलरली मैन इज़ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी विच विल एंड वन डे। और इसी तरीके से जो इंसान है वो पेट्रोल को भी अनलिमिटेड यूज़ करते जा रहे हैं, और ऐसा ज़रूर होगा कि एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। इवन ह्यूमंस पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़। और यहाँ तक कि जो हमें नेचुरल गिफ्ट मिले हैं, प्रकृति की तरफ से हमें बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं, वाटर और एयर, उसको भी हम अपनी एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूट करते जा रहे हैं, द रिज़ल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। और इसका रिजल्ट भी फिर एक ना एक दिन हमें ही भुगतना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यानी अब धीरे धीरे ये जो नेचर का बैलेंस है ये भी ख़राब होना शुरू हो गया है। किसके कारण? ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, यानी रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण अब हमारा नेचर का बैलेंस भी ख़राब होता चला जा रहा है। If the balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. और अगर ये बैलेंस इस तरीके से नष्ट हो गया तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाएगा।
Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. और इसलिए natural resources को conserve करना, बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान के importance को, उसके जीवन को और उसकी progress को, जो उसका existence है, उसको बचाया जा सके. Therefore, we should use resources wisely with planning. इसलिए हमें resources को बहुत ही planning के साथ use करना चाहिए so that in the long run, we can take advantage of it and future generations can also use it. तो ताकि हम लंबे समय तक इसको use कर पाएँ, इसका फ़ायदा ले सकें और हमारी जो आगे आने वाली future generations हैं वो भी इसको use कर सकें अगर हम ये conservation of resources करेंगे तब. Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development. इसका मतलब ये है कि अगर हम wisely resources को use करें बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से, without harming nature और अपनी nature को बिना नुकसान पहुँचाए with planning के साथ, तो इसको हम कहते हैं sustainable development. और ये एक बहुत ही important टॉपिक है जो कि आपको 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज. और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो कुछ एक्टिविटीज़ नीचे आपको दे रखी हैं. डायरेक्शन, रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर, राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके आगे कैप्शन भी दे रखी है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि उस कैरेक्टर को वो कैरेक्टर किस तरह से हेल्प कर सकता है रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करने में. तो द फर्स्ट जो पिक्चर है उस पे लिखा हुआ है आयशा रीड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन. तो उसको कैसे वो बचा सकती है, तो मेरी सजेशंस हैं कि आयशा शुड नॉट स्विच ऑन ऑल द लाइट्स ऑफ द हाउस वाइल रीडिंग. हाउएवर शी शुड स्विच ऑन ओनली दोज लाइट्स इन विच शी कैन रीड कंफर्टेबली. यानी उसको घर की सारी लाइट्स नहीं जलानी चाहिए बल्कि उतनी लाइट जलानी चाहिए जितने में वो आराम से पढ़ सके. फिर जो दूसरी पिक्चर है उसमें लिखा है कि टॉम बर्न्स ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन. ये समस्या तो हम सब के साथ में है. अभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी उसके बाद पतझड़ का जब मौसम आता है पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तब हम क्या करते हैं उन पत्तियों को जला देते हैं. तो इसका जो सजेशन है वो क्या है कि बर्निंग ड्राई लीव्स इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन, सो टॉम शुड मेक इट अ पिट इन हिज गार्डन. उसको एक गार्डन में गड्ढा बनाना चाहिए एंड सप्रेस दीज ड्राई लीव्स इन इट. और उसमें इन सूखे पत्तों को दबा देना चाहिए सो दैट आफ्टर अ फ्यू डेज दे टर्न इंटू कंपोस्ट, ताकि वो कुछ दिनों के बाद खाद में बदल सकें. एंड द थर्ड पिक्चर इज राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग. राहुल ब्रश करते समय अपना टैप हमेशा खुला रखता है. तो क्या इसके लिए सजेशन हो सकती है कि वाइल ब्रशिंग राहुल शुड नॉट लीव द टैप ओपन. राहुल को ब्रश करते समय पानी को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. वेन एवर ही नीड्स टू रिंस इन बिटवीन ही शुड ओपन द टैप. जब भी उसको ज़रूरत हो खुला करने की तभी वो उस टैप को खोले. और ही कैन कीप अ वाटर फील्ड मग एंड वाइल ब्रशिंग ही कैन यूज़ इट फॉर रिंसिंग. और इसके लिए वो एक पानी से भरा हुआ मग भी अपने पास रख सकता है और जब उसको ब्रशिंग करते समय रिंसिंग की ज़रूरत हो, खुला करने की ज़रूरत हो, तब वो इस मग भरे पानी को यूज़ कर सकता है. तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक. Now let's move on the question answers section. So the first question is why conservation of resources is so important. हमें resources को बचाना क्यों जरूरी है. तो answer is the proper management of a resource to prevent its destruction or exploitation is called conservation. यानी जब हम resource को destruct होने से या exploitation होने से से बचाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं. एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड की, ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी और ज़्यादा बढ़ रही है. हैंस
These resources should be conserved to maintain ecological balance and save them for future generations. तो हमें अपने ecological balance को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए और इसे future generations के लिए save करने के लिए resources की conservation करना बहुत ज़रूरी है. Question number 2 is, what do you understand by sustainable development? देखिए फिर वही आ गया और ये important question है, बहुत ज़्यादा important question है. तो answer is, we should use resource wisely with planning. यहाँ पर use आना चाहिए. We should use resources wisely with planning so that in the long run we can take advantage of it and future generations can also use it. Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development. Question number 3 is, if petrol is completely exhausted, then think about what changes will happen in your life. Agar petrol bilkul puri tarah khatam ho jaye to aapki life mein kya change aayega? So my suggestion is, if petrol is completely exhausted, then all human life will go stop. All the activities of human life will stop. We will have to face many troubles, like if we have to go somewhere, then how will we be able to go there? How will we able to arrange our food? Because all the fruits and vegetables come through trucks in which petrol and diesel are used. Our whole life will be disturbed. We will have to resort to cycle or bullock cart again, which is not possible as of now. इसका मतलब यही है कि देखिए अगर ख़त्म हो जाए पेट्रोल तो हम क्या करेंगे, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. अगर हमें कहीं जाना है तो हम जा नहीं पाएंगे और हम अपना फूड कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ट्रक के थ्रू आते हैं और उसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है. तो इससे क्या होगा कि हमें वापस से साइकिल या बैलगाड़ी पर जाना पड़ेगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है. Now the last question, question number 4 is, what can you contribute towards conservation of resources? आप resources को बचाने में क्या अपना contribution दे सकते हैं? तो we can make our contribution in conservation of resources as follows. क्या क्या suggestion है, आप भी इसमें अपनी suggestions को include कर सकते हैं. First is, if we are not in the room, then light of the room should be turned off or switch off. Second is, if we see the tap open somewhere, कहीं पानी हम खुला हुआ देखें, नल खुला हुआ देखें, then it should be turned off immediately, उसको हम तुरंत बंद कर दें. In case of red light, we should off the engine of the vehicle. अगर red light हो तो हमें अपने vehicle के engine को off कर देना चाहिए. Fourth is, the tap should not be left open while brushing. Brushing करते समय हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. Fifth is, we should do rain water harvesting. हमें बारिश के पानी को बचाना चाहिए. And the last is, paper should be used very carefully because a lot of trees are cut to make it. इसको बनाने के लिए बहुत सारे trees को काटा जाता है. So now, that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.